ये देखें हमारा एडजस्ट फैन जो अभी बिल्कुल जाम हो चुका है। अभी हम स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं क्या चल पाता है। बिल्कुल नहीं चल पाया है। और आप सुन ध्यान से सुनेंगे तो इसकी आवाज़ आ रही है मोटर से, और ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है। ये देखो अभी इसको चलाया है तो ये चल चुका है, और अभी इसको दोबारा बंद करेंगे, बंद हो गया है और बहुत तेज आवाज कर रहे हैं। अब इसको दोबारा चला के देखते हैं, ये जाम हो गया है बिल्कुल। तो आज इसी को रिपेयर करेंगे, और तो बने रहे वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हो फैन पे धूल मिट्टी चिकनाई काफ़ी मात्रा में लगी हुई है, तो इसको हम सबसे पहले नीचे उतारेंगे। नीचे उतार के इसकी सफाई करेंगे, धूल मिट्टी चिकनाई सारी साफ करेंगे, फिर इसकी मोटर को खोल के हम घर पे ही रिपेयर करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको रिपेयर करना है। आप घर पे कोई भी एडजस्ट फैन हो, कोई भी फैन हो, अगर वो जाम हो चुका है तो उसको बिना किसी मिस्त्री की या बिना किसी रिपेयरिंग शॉप पे जाके अपने घर पे ही आप कैसे रिपेयर करना है, आप सबको पूरी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। तो बने रहे वीडियो में साथ में। सबसे पहले इस फैन को हम नीचे उतारेंगे दोस्तों, तो मैं फिर इसको नीचे उतारता हूँ, फिर नीचे उतारने के बाद आपसे मिलता हूँ मैं। जैसा कि दोस्तों हमने पंखे को नीचे उतार लिया है, और ये देखिए अब चिकनाई कितनी, धूल मिट्टी आपको दिख ही रही होगी पूरे पंखे पे, कैसे धूल मिट्टी कितनी ज़बरदस्त तरीके से चिपकी हुई है। और चलो पहले इसकी धूल मिट्टी साफ करते हैं, और उसके बाद में इसके जो जाम हो गया ये पंखा, ये देखो बिल्कुल धीरे धीरे घूम रहा है, टाइट घूम रहा है दोस्तों बहुत। ये देखो अब इसकी फिर रिपेयरिंग करेंगे, इसकी सर्विस करेंगे। चलो फिर अभी इसकी सफाई करते हैं। सफाई दोस्तों ये चिकनाई बहुत है इसमें, तो साधारण पानी से और अपने डिटर्जेंट से अगर हम साफ़ करना चाहेंगे तो ये नहीं होगी, इसके लिए हमें पेट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो इसकी सफाई के बाद आते हैं वीडियो में। यह आपने खोलने से पहले आपने देखा था, अब मैंने इसको मोटर को पूरा खोल लिया है, ये देखो आपके सामने है। और ये इसका आधा हिस्सा, ये इसका आधा हिस्सा, सब मैंने अलग अलग कर लिए हैं और इनको पूरा साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं। अभी साफ़ करने के बाद एकदम पहले नए जैसे तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक इनकी सुधर गई हालत। और ये देखो इसकी पंखुड़ियाँ पहले कितनी बेकार हालत में थी, और अब एकदम फ्रेश हो गई हैं फिर से। इसके लिए हमने जो जो औजार काम में लिए वो आपको बताता हूँ। एक पट्टी, पेट्रोल और दो ब्रूस काम में लिए हमने, और ये मोटर को खोलने के लिए प्लास, और ये एक कपड़ा। बस यही औजार हमें इसको खोलने में लगा है। अब इसको अंदर से हम रिपेयर करते हैं, इसके अंदर ग्रीसिंग करेंगे, उसके बाद इस मोटर को वापस चढ़ा देंगे, एकदम सेट कर देंगे। तो आप देखते रहिए और बने रहे हमारे वीडियो में हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करते रहें। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो आपके साथ मैं लाता रहूँगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अभी इसमें ग्रीसिंग करते हैं। तो देखो दोस्तों मैंने इसको रिपेयर करके पूरा फिट कर दिया है अच्छे से, अच्छे से इसके पंखुड़ियाँ लगा दी हैं, और एकदम पूरा इसको टाइट कर दिया सब नट बोल्ट इसके। और अब इसको हम वापस लगाने जा रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे कितना सही काम किया है नहीं किया है। चलो फिर
तो हमारा फैन एकदम रेडी हो गया, तैयार हो गया, हमने वापस इसको लगा दिया है। अब इसको चेक करते हैं और ये देखो, स्विच ऑन करते ही हमारा फैन स्टार्ट हो गया। अब एक बार फिर से चेक करते हैं फैन, फैन ऑफ, और एक बार फिर से ऑन करके देखते हैं, और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं पहले और इसमें कितना डिफरेंट हो गया, दिखने में एकदम पूरा साफ हो गया हमारा फैन। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।